गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे माय टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री ओके। नंबर वन वी हैव फिजिकल केमिस्ट्री, नंबर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर थ्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर फोर बायोकेमिस्ट्री, नंबर फाइव इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नंबर सिक्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नंबर सेवन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, नंबर एट एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं, इसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, नंबर वन है हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री। व्हाट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप between composition and properties of matter along with changes in them is called physical chemistry. Okay, physical chemistry branch of chemistry है जो जिसमें हम relationship पढ़ते हैं composition और properties of matter के बारे में, और उसके अलावा उसमें क्या चेंजेस होती हैं प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, फिज़िकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या होता है? इसके थ्रू हमें क्या चीज़ में मदद मिलती है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कोई भी एटम हो उसका स्ट्रक्चर हमें पता चल जाता है इसके थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसे होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने में मदद मिलती है। नंबर टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइड्रोजन है और सल्फ़र है, तो इनको जब रिएक्ट करते हैं तो क्या चीज़ फॉर्म होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ओके, नंबर थ्री जो है हमारे पास, इसके थ्रू बिहेवियर ऑफ गैसेस सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, जितने भी सॉलिड लिक्विड और गैसेस हैं इनके बिहेवियर फाइंड आउट करने में मदद मिलती है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं।
स्टडी नंबर है 4 है, स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर। और इसमें स्टडी करते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है मैटर पे। फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉलिड आइस है तो उसको जब हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। इसी तरह लिक्विड को जब हीट करते हैं टेम्परेचर पे तो क्या होता है, लिक्विड जो है वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी स्टडी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ओके, टेक केयर, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।